नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि 29 सितंबर के सुबह 11 बजे से ज्यादा दोस्तों यह समय से घरों की कुछ ऐसी स्थिति बनने वाली है। घरों में कुछ ऐसे ही बड़े बदलाव होने वाले हैं जिनसे आपके जीवन काल में कई ऐसे महत्वपूर्ण घटनाएं होने वाली है। यूँ कहें तो घरों की बदलती चाल में ऐसे परिवर्तन होंगे जो कि आपके जीवन काल में कई सारे ऐसे बदलाव करेंगे जिनसे आपका मन काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न रहेगा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यश में आपका खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। जी दोस्तों, क्योंकि घरों की यश में जो दुर्लभ संयोग बन रहे हैं आपके जीवन काल के लिए बहुत ही लाभकारी रहने वाले हैं। यश में आपको कई क्षेत्रों में लाभ के साथ साथ बड़ी बड़ी कामयाबी भी हाथ लगने वाली है। जय दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि यश में जो बुधवार का दिन होगा भगवान श्री गणेश जी का दिन रहने वाले हैं। जय दोस्तों, और इनसे भी आपके जीवन काल में कई प्रकार की सुख समृद्धि रहने वाली है जिससे कि घर के माहौल में आपको लाभ होगा जहाँ पर आप सोचे नहीं होंगे। दोस्तों उस क्षेत्र में भी यश में आपको कुछ ऐसी शुभ संकेत मिलने वाले हैं जिनसे आपका दिल खुशी से प्रसन्न हो उठेगा। दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है कि यश में घरों के साथ साथ जो श्री गणेश जी का आशीर्वाद है आपके जीवन काल पर बहुत ही लाभकारी स्थिति आपको देने वाली है। ऐसे में दोस्तों आपसे अनुरोध बस यही है कि वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि दोस्तों इनमें आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी को जानेंगे कि यश में आपको किन क्षेत्रों को लेकर सावधान रहने होंगे, कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे, किन किन क्षेत्रों में कार्य करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, श्री गणेश जी के आशीर्वाद से आपके घर के माहौल में पारियोजन में क्या क्या चमत्कार होंगे। तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों जो भी भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से जय श्री गणेश जी लिखिएगा, गुरु जी का भगवान श्री गणेश जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करिएगा। तो मित्रों जरूर लिखिएगा, और यदि आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो आइए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों यश में धर्म तथा अध्यात्म के प्रति आपका आस्था रहेगी। आपका प्रभावशाली तथा सकारात्मक व्यक्तित्व दूसरों के लिए यश में उदाहरण बनेगा। यही स्वभाव आपके कार्य क्षेत्र को योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण करने में भी आपका मदद करेगा। युवा वर्ग जो है गंभीरता से अपने जीवन के मूल्यों को समझेंगे। इस उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों कुछ व्यक्तिगत कार्यों में अनचाहे कारणों की वजह से विघ्न भी पड़ सकता है, परंतु दोस्तों यश में धैर्य और संयम बनाकर रखें, ये आपके लिए उचित होंगे। दोस्तों बच्चों की किसी समस्या के निवारण में आपका सहयोग जरूरी होगा। कि दोस्तों यश में गलत प्रवृत्ति के लोगों से मेलजोल ना रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी बातों के बारे में हम किस व्यक्ति के साथ बात करते हैं इस बात पर ध्यान देना आवश्यक होता है। दोस्तों आपके द्वारा कही गई बातों का इस्तेमाल आपका नाम खराब करने के लिए किया जा सकता है। दोस्तों यश में आप किसी पर भी विश्वास ना रखें। जिन लोगों के साथ आप मन मुठाव किए हैं दोस्तों वह लोग ही आपके यश में नई दिखाने की कोशिश करेंगे, तो दोस्तों यश में इनसे सावधान रहें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपका कर्म तथा पुरुषार्थ आपके लिए काम में सफलता और उपलब्धि भी आपको प्रदान करेगा। दोस्तों यश में अपने दिमाग की अपेक्षा दिल की आवाज को सुने। दोस्तों किसी पॉलिसी आदि में निवेश करने के लिए जो समय है आपके लिए अनुकूल होंगे। दोस्तों घर की साज सजा अथवा सुधार संबंधी कार्यों पर भी समय व्यतीत होगा। इसके उपरांत दोस्तों कभी कभी अधिकतम काम की वजह से स्वभाव में चिड़चिड़ापन भी आ सकता है। घर की समस्याओं का हल ढूंढने में पारिवारिक जनों का सहयोग भी आप अवश्य लें। दोस्तों यह समय भाइयों के साथ भी मधुर संबंध बनाकर रखें, क्योंकि दोस्तों कुछ अनबन होने की भी आशंका हो रही है। इसके बाद दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे मानसिक तकलीफों का सामना करते वक्त आपको जो है दूसरों से ज्यादा खुद के विचारों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। दोस्तों यश में दिन के अधिक वक्त जो है खुद को बेहतरीन बनाने के लिए इस्तेमाल करें। मनचाही बातों में प्रगति न देख पाना आपके लिए दुख पैदा कर सकता है। फिलहाल दोस्तों परिस्थिति का सामना डटकर करना आपके लिए उचित रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे पिछले कुछ कमियों से सीख कर अपने दिनचर्या में और अधिक बेहतर सुधार लाने की कोशिश करेंगे, जिसमें दोस्तों आप कामयाब भी रहेंगे। प्रतिष्ठित लोगों के साथ समय व्यतीत करना आप में जो है सकारात्मक परिवर्तन भी लाएगा।
दोस्तों यह समय रुके हुए जो भी आपके काम है वह उचित समय पर पूरे भी होंगे। इसके कारण दोस्तों यह समय वरिष्ठता अनुभवी व्यक्ति के या फिर अनुभवी लोगों की सलाह लेने से आपको संकोच नहीं करना चाहिए। दोस्तों यश में उनका मार्गदर्शन व फिर सहयोग आपके मनोबल को और अधिक बढ़ाएगा। परंतु दोस्तों नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों के साथ आपके लक्ष्य को यश में भटका सकता है, तो दोस्तों इनसे आप दूर ही रहने की कोशिश करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके बाद दोस्तों विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई के प्रति और अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। इसके बाद दोस्तों यह समय जिस काम से आपको मन की शांति प्राप्त होती है उसी काम को करने पर अधिक ध्यान देना आपके लिए आवश्यक होगा। करीबी मित्र द्वारा आपको खुशखबरी प्राप्त हो सकता है। परिवार से यश में ज्यादा जो है मित्रतापूर्ण व्यवहार रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके बाद दोस्तों यश में युवाओं को कोई विशेष संधि प्राप्त हो सकती है। दोस्तों आपको मिल रहे अवसर का चुनाव करते समय अधिक सतर्कता रखने की आपको आवश्यकता होगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे घर में किसी धार्मिक आयोजन को संपन्न करने की योजनाएं बनेगी। यश में ग्रह गोचर आपके लिए कुछ नई उपलब्धियों का निर्माण भी कर रहा है जो कि दोस्तों भविष्य में आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। दोस्तों परिवार में प्रसन्नता का माहौल भी रहेगा। परंतु दोस्तों यश में कुछ अचानक ही बड़े खर्चे सामने आएंगे और दोस्तों यश में अपना जो है बजट बनाकर रखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा क्योंकि दोस्तों कोई बड़ी समस्या भी आपके सामने आ सकती है। परंतु अपने शुभ चिंतकों से यश में इस विषय पर विचार विमर्श करने से उचित हल भी आपको प्राप्त होगा। और दोस्तों अपने वहम और अपने गुस्से पर यश में आप काबू रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे व्यक्तिगत बातों के बारे में किसी काम को जो है आप बार बार शून्य से शुरू कर रहे हैं तो दोस्तों इस वजह से आपका उस बात के बारे में उत्साह खत्म हो रहा है। परिस्थिति से हार ना माने और दोस्तों कठिन समय में भी उनका डट कर मुकाबला करने की कोशिश करें, परिस्थिति में बदलाव जरूर आएगा। इसके उपरांत दोस्तों यह समय अगर आपकी व्यवसाय यानी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों बहुत सारी गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए कर्मचारियों के सुझाव को भी ध्यान में रखें जिसे दोस्तों आप बेहतर निर्णय भी यश में ले पाएंगे। दोस्तों नए जनसंपर्क भी स्थापित होंगे, ऑफिस में बॉस व फिर अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे। इसके बाद दोस्तों यह समय आपके करियर के लिए जो समय होंगे दोस्तों यह समय जो है पार्टनरशिप संबंधी कार्यों में लाभदायक परिस्थितियां बन रही है। व्यापार को विस्तृत संबंधी जो भी आप योजनाएं बना रहे हैं उनमें आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों सरकारी सेवारत लोगों के लिए उनके ऊपर अतिरिक्त कार्यभार रहेगा, परंतु दोस्तों धैर्य पूर्वक कार्य जो संपन्न आप करने में भी सफल रहेंगे और इनसे दोस्तों आपको कोई महत्वपूर्ण अथॉरिटी भी यह समय मिल सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके करियर के लिए जो समय होंगे दोस्तों यह समय अधिकतर समय मार्केटिंग संबंधी कामों में भी बीतेगा और दोस्तों यह समय रुकी हुई पेमेंट भी आपको प्राप्त हो सकती है जिससे दोस्तों आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। भविष्य संबंधी योजनाओं की अपेक्षा वर्तमान गतिविधियों पर ही ध्यान दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों अभी उचित समय का इंतजार करना आपके लिए जरूरी होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे व्यवसायिक गतिविधियां सामान्य रहेंगी, परंतु दोस्तों यश में अचानक ही कुछ खर्चे की स्थितियां सामने आएंगी। आर्थिक मामलों में पूरी सावधानी और सतर्कता बरतना चाहिए आपको। सहकर्मियों के सहयोग से आप जो है किसी महत्वपूर्ण ऑर्डर को भी यश में पूरा करने में सक्षम रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में अविवाहित लोगों के लिए विवाह संबंधी अवसर आएंगे। दाम्पत्य जीवन में भी यश में सरसता रहेगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे आपके प्रेम जीवन के लिए जो समय होंगे दोस्तों यश में घर के किसी मुद्दे को लेकर पति पत्नी के बीच अनबन भी हो सकता है। बेहतर होगा कि दोस्तों शांतिपूर्ण तरीके से समस्याओं को सुलझाने की आप प्रयत्न करें, ये आपके लिए योग्य तरीका होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे दोस्तों परिवार के साथ मनोरंजन संबंधी कार्यों में भी समय व्यतीत होगा। प्रेम संबंधों में किसी प्रकार के अलगाव की स्थिति बन रही है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे आपके प्रेम जीवन के लिए जो समय होंगे दोस्तों यश में पति पत्नी के संबंध जो है खुशनुमा रहेंगे। शॉपिंग और फिर मौज मस्ती में भी समय व्यतीत होगा, परंतु दोस्तों किसी मित्र की वजह से कुछ दिक्कत उत्पन्न हो सकती है, इनका आप ध्यान रखें। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा, परंतु दोस्तों यश में बदलते मौसम को नजरअंदाज ना करें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे सिर दर्द तथा माइग्रेन की समस्या आपको परेशान कर सकती है। तनाव को अपने ऊपर हावी न होने दें और व्यवस्थित दिनचर्या का पालन करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य आपके सेहत के लिए जो समय होंगे स्वास्थ्य दोस्तों शाम तक ठीक होगा, परंतु यह समय अपनी मन स्थिति को मजबूत रखने की आप कोशिश करें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छे होंगे।
इसके दौरान दोस्तों यह समय आपके स्वास्थ्य सेहत के लिए जो समय होंगे दोस्तों अपना इम्यून सिस्टम यह समय स्ट्रांग रखने की कोशिश करें और संतुलित आहार लेना आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों व्यायाम भी आप यह समय करें, यह आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे।